गाइस काफ़ी सारा बिहार में आपका वैकेंसी आई है, अभी और भी वैकेंसी आने वाले, ये वैकेंसी आपका बिहार स्टेट कोऑपरेटिव में रिक्वायरमेंट आई है, 200 कुछ वैकेंसी, जब तक इलेक्शन ना हो जाए तब तक वैकेंसी रुकने वाला नहीं है गाइस, हर वो 5-6 दिन बाद कोई ना कोई वैकेंसी ज़रूर आएगी, क्यों, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन है गाइस, तो जाहिर सी बात है इलेक्शन पर क्यों वैकेंसी निकालते हैं ये लोग आप अच्छा तरीके से जानते हैं, सो देखते हैं आगे कौन मेरे साथ बने रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइस, अभी काफ़ी सारा मैं जॉब जैसे ही आएगा मैं तुरंत नोटिफिकेशन लाऊंगा, इस एग्जाम से भी कोई और भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं कोशिश करूंगा टाइम टू टाइम लाने के लिए गाइस, जाहिर सी बात है जब कोई वैकेंसी आती है तो सिलेबस वगैरह बच्चे के मन में डाउट थॉट जरूर होता है, तो ये सारा डाउट होता है, मैं इसमें कुछ चीज़ नहीं भी बता सकता हूँ गाइस, जस्ट लाइक मैं आपका लास्ट ईयर कटअप नहीं बताऊंगा, अगर आप लोग इसके लिए है तो आप लोग जा सकते हैं गाइस, ठीक है, नहीं तो आप लोग बने रहे मेरे साथ, ठीक है, सो देखते हैं आखिर एक एक करके क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मेकिंग यूनियन लिमिटेड में वेरियस पोस्ट आपका आया है, जिसका फॉर्म 1/9 से मतलब स्टार्ट हो चुका है, मतलब 2 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जितना जल्दी फॉर्म हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि ये फॉर्म आपका बहुत कम टाइम के लिए ही खुला है, मान 26 डे के लिए, मतलब 28/9 को ये फॉर्म बंद हो जाएगा और यहाँ का 30 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहे, यही बात है कि इसमें 1000 रुपये फॉर्म का फी है, बिहार का BPSC जब भी निकलता है तो वो 750 रुपये रहता है और ये 1000 है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म है, और STSC के लिए 500 रुपये है और फीमेल के लिए 500 रुपये है, PWD वाले बच्चे के लिए 0 रुपये से, ठीक है, अब 275 वैकेंसी है गाइस, अगर एक चीज़ आप लोग देखें 1/8/2020 को, ठीक है, आपका मतलब जो मिनिमम एज होना चाहिए वो चीज़ पूरी जानी चाहिए, मतलब 18 ईयर होना चाहिए 21 ईयर, ठीक है, 21 ईयर में मतलब 21 ईयर पूरा जाना चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं एक एक करके पोस्ट का मैं बताऊँगा नहीं, डिस्कशन नहीं करूँगा, वैसे मैं बता दूँ कि अगर आपका भी कोई भी कमेंट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, पहले आप लोग टेलीग्राम पर डिस्कशन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके अलावा कोई और भी कमेंट है तो बेहिचक आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है, मैं 10 या 5-6 दिन के बाद आप लोग का रिप्लाई दूंगा, कल मैं एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें इसमें जॉब लग जाएगा बेसिकली कौन सा काम करवाया जाएगा, ठीक है, सो देखते हैं, ठीक है, ये आप अपना अपना देख लीजिए, इसमें 1 वैकेंसी, इसमें 20 वैकेंसी, इसमें 2 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर सिविल, देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल का वैकेंसी है, ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट IT का है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका देखिए बैचलर डिग्री है यानी अच्छा यहाँ पे टाइपिंग में आ गया, ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सो अभी काफ़ी सारा वैकेंसी अभी आना 88 वैकेंसी है इसमें असिस्टेंट वो दन, ठीक है, तो ये कुछ काफ़ी सारा वैकेंसी जो आप लोग देख सकते हैं जूनियर IT असिस्टेंट, ठीक है ना, तो देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, ये कुछ आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, सैलरी आपका 25,000 रुपया है, इस चीज़ को आप लोग याद रखें, ठीक है, और बाय गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे जॉब तो काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं जॉब अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और मैं कल या परसों ही आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा कि इसमें बेसिकली कौन सा काम करवाए, यहाँ पर आप लोग अपना अपना सैलरी देख सकते हैं, ठीक है, किस पोस्ट के लिए कितना सैलरी है, 15,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 12,000 सैलरी, मतलब सो यहाँ देखिए यहाँ पे आप लोग का जो है ये जो आप लोगों का कॉन्टैक्ट बेसिस पे है इस चीज़ को याद रखिए गाइस, ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट आपको कितने हैं कॉन्टैक्ट बेसिस मतलब 2 ईयर एंड कॉन्टैक्ट में भी एक्सटेंड, मतलब आपका डेट क्या हो सकता है कि बढ़ा भी सकता है, ठीक है, तो इस चीज़ पे हम इस चीज़ को मतलब 2 ईयर के बाद ये चीज़ सोच लीजिएगा, फिलहाल आपको 2 ईयर के लिए कॉन्टैक्ट बेसिस पे इंटरव्यू के बेसिस पे आप लोग का इसमें एक एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगी, एक एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगी, भाई जिस हिसाब से वो आप लोग का एग्ज़ाम ले रहा है इतना फॉर्म का पे ले रहा है, बट सैलरी तो बहुत कम है यार इसका, ठीक है, बट कोई नहीं, आप लोग इस फॉर्म को अगर आप लोग एलिजिबिलिटी है तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलिजिबिलिटी यहाँ पे मतलब एक बार 1 फेज में एग्ज़ाम होगा, मतलब एक ही बार एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, रिटर्न एग्ज़ाम होगा जो यहाँ पे आप लोग का लिखा गया है, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, देन आप लोग एग्जाम में सिलेक्टेड होते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह जो है सो ये कुछ आप लोग का हो जाएगा, ठीक है, अब हम गैस इसमें हम बात करें यहाँ पे कि देखो गैस ये आप लोग का एक क्या है कि अच्छा इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, मतलब इसमें भूटान और नेपाल के बच्चा नहीं फॉर्म फिल कर सकता है, और आपका एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, ठीक है, जो भी STSC वगैरह का जो ये बेसिक बात है ये चीज़, ठीक है, इसका एग्ज़ाम देखो यहाँ पे लिखा गया है कि इसका एग्ज़ाम जो होगा आपका यहाँ पे देखिए ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है ना, एज डिसाइडेड करेगा, ठीक है ना, वो कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा ड्यू टू
कोविड-19, ठीक है, और उसके बाद इंटरव्यू हो गया। सो इस चीज़ को अभी डिसाइड नहीं किया जाए, बट आपका सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है, मतलब इंग्लिश है आपका, मैथ है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर है, कुछ 100 नंबर का है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है और 60 मिनट है, ठीक है, कुछ ये है आपका यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी 0.45% जो SSC को होता है, मतलब 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर आप लोग का कट जाएगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है, ठीक है गाइस। देखिए इस पोस्ट के लिए आप लोग का कुछ ये सिलेबस था, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए और मैं आप लोग को कुछ और दिखाने की कोशिश करूँगा। और इस पोस्ट के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपना अपना, देखिए एक बिल्कुल इजी स्टेप में दिया है, मतलब स्टेप बाय स्टेप दिया है ताकि आप लोग भी समझ पाएँ, ठीक है, बाई चांस आपको अगर समझ में नहीं आया कोई दिक्कत हो तो फिर आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कुछ ये चीज़ है, ठीक है। और गाइस हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलग अलग सिलेबस दे दिया, ये भी कुछ ऐसे ही जनरल नॉलेज है, ठीक है ना, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ये भी 100% 100 नंबर ये चीज़ है, ठीक है, और कुछ ये चीज़ है आप लोग का। और इसमें मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं इस पर एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बहुत कुछ बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, मैं दो वीडियो लाऊंगा, इसमें एक बार जॉब लग जाएगा बेसिकली कौन सा काम करवाया जाएगा और बेसिकली इस पर इसका कुछ इसके बारे में कुछ और भी डिटेल लाने की कोशिश करूँगा गाइस, ठीक है। सो बने रहिएगा मेरे साथ और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि काफ़ी आदमी तक पहुँच पाए, ठीक है, और मुझे इसमें कुछ खास तो नहीं लग रहा है, बाकी नॉर्मल चीज़ सब जो एक लिखना है कि भाई कैसे कैसे एग्ज़ाम और फॉर्म फिलअप के बारे में ये वो लिस्ट है, ठीक है, कुछ ये होगा, ठीक है। मैं दो वीडियो कुल मिला के हो सके तो लाऊंगा, 2-3 वीडियो होगा तो लाऊंगा, ठीक है गाइस। मैं बता दूं कि अब इसका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, देखो अभी कोविड के लेके लॉकडाउन बिहार, ठीक है, तो लॉकडाउन पहले तो खुल लेगा, ठीक है, उसके बाद डिसाइडेड करेगा। तो गाइस ये देखिए ये और सब संस्थान से अलग है, ऑलरेडी पुराना एग्ज़ाम बचा हुआ है, इसका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, देखो इसका एग्ज़ाम अगर होने की अगर बात करें गाइस, देखो ये एक मैं भी बात करें तो प्राइवेट टाइप की संस्था है कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो, ठीक है ना, हालांकि प्राइवेट में लिमिटेड है यहाँ पे, इस चीज़ को मैं बोलूँगा प्राइवेट, मतलब एक तरीके से इसी हिसाब से सैलरी वगैरह वही कुछ मेंशन कर रहा है, इसी हिसाब से लग रहा है, ठीक है। इसलिए मैं एक और सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं बहुत कुछ डिस्कशन करूँगा और आप लोग का भी क्वेश्चन हो सकेगा तो ले लेंगे, या नहीं तो इसके 6-7 दिन के बाद मैं क्वेश्चन लेता हूँ ताकि काफ़ी सारा बच्चा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम का कुल मिला के ऐसा ही कुछ होगा, कुल मिला के कोविड-19 मतलब ये लॉकडाउन खुलने के बाद 4 या 3-4 मंथ या 2 मंथ में भी हो सकता है, ये जल्दी ले लेगा क्योंकि एक तरीका से वो अलग और सब संस्था है, सरकारी तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ये इतना नहीं है, ये तो इनका कोई एग्ज़ाम और कोई कंडक्ट करवा रहा है, हर चीज़ अलग करवा रहा है, तो इनका एग्ज़ाम जल्दी होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। और बेसिक है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादा हाई लेवल के नहीं पूछेगा भाई। सो थैंक यू और बाय बाय, आई होप लगता है मैं समझा पाया हूँ, तो बाय बाय।